नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठी पहलवानों के समर्थन में रविवार को पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत समेत हरियाणा पंजाब के सैकड़ों किसानों और खाप पंचायतों के नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनके आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए पंचायत किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग बड़ा फैसला लेंगे। आइए सीधे बात करते हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवान लड़कियों के साथ क्या किया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में पहलवान लड़कियों का आरोप है कि बृजभूषण सांस लेने का पैटर्न चेक करने के बहाने उनके पेट छाती को छुआ, जबरन गले लगाया। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 15 दिनों से जारी है। बृजभूषण के खिलाफ 11 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में महिला पहलवान की शिकायत पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और पास्को एक्ट का केस दर्ज हुआ है। इन दो FIR में क्या दर्ज है यह भी हम आपको बताएंगे। WFI के अध्यक्ष पर FIR में जो बातें सामने आई है उसमें बृजभूषण पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है कि वे महिला पहलवानों को फिजिकली टच करके टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायतें दर्ज कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में से 2 पीड़ित महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि बृजभूषण ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ। बृजभूषण ने उनकी सहमति के बिना जांघ, कंधे, पेट और छाती को टच किया। बृजभूषण ने सांस के पैटर्न को चेक करने का बहाना बनाया। महिला पहलवानों का यह भी आरोप है कि 2016 में टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह एक रेस्तरा में था, जहां कथित तौर पर सांसद ने उनकी छाती और पेट को छुआ। इस घटना के बाद महिला पहलवान बुरी तरह घबरा गई, उसका खाना खाने का मन नहीं हुआ और वो पूरी रात सो नहीं पाई। महिला रेसलर ने शिकायत में कहा कि 2019 में वह एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी, वहां भी बृजभूषण सिंह आया और बहाने से उसकी छाती और पेट पर हाथ लगाकर उसका उत्पीड़न किया। एक महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2018 में सांसद ने उसे काफी देर तक कस कर गले लगाए रखा। इस दौरान बृजभूषण के हाथ बिल्कुल उसकी छाती के करीब थे, इससे वह असहज हो गई, जिस वजह से उसने खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया। दूसरी महिला पहलवान ने भी बृजभूषण पर ऐसे ही आरोप लगाए। भले ही भाजपा सांसद महिला पहलवानों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब रेसलर्स की याचिका को यह कहते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया, केस बंद कर दिया है, लेकिन पहलवान WIF बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अड़ी हैं। अब देखना है अखाड़ों में लोगों को धूल चटाने वाली महिला पहलवानों की अस्मिता की लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।